We want justice. हमें हमारा हमारी जो फैकल्टी है सुकास्ट की में फैकल्टी ऑफ फिशरीज 2005 में एस्टैब्लिश हुई है, तो 2005 से लेके अभी तक हम मोर देन 400 ग्रेजुएट्स जो है पास आउट हुए हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जम्मू एंड कश्मीर है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। जो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है तो हम लोग पिछले 5 साल से सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं, सब लोगों के पास गए डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक, तो लेकिन सबका जवाब यही आ रहा है कि आप लोग रेवेन्यू नहीं देते हो। जब आप प्रोफेशनल्स को रिक्रूट नहीं करेंगे तो हम लोग आपको रेवेन्यू कैसे दे पाएंगे। और हमारी फाइल बनी थी एक पॉलिसी, जॉब पॉलिसी बनी थी फिशरीज ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल फिशरीज ग्रेजुएट्स के लिए, वो थी रहबरी माही पालन, लेकिन उसको फाइनेंस ने रिजेक्ट किया ये बोल के कि परमानेंट पोस्ट निकालिए। जब परमानेंट पोस्ट के लिए फाइल चली गई फाइनेंस में तो उन्होंने बोला कि इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बाकी डिपार्टमेंट्स की जो रिक्रूटमेंट्स है उनमें जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं आता है तो वाई ओनली इनजस्टिस विद फिशरीज, तो सिर्फ हमारे फिशरीज के साथ क्यों इनजस्टिस हो रही है, तो हम लोगों की फाइल्स पे क्यों फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है। तो हम लोग अब गवर्नर साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है हमारी उनसे कि प्लीज जो हम लोग फिशरीज प्रोफेशनल्स हैं उनको रिक्रूट कीजिए, और जो हमारी एलिजिबिलिटी है अगर डिपार्टमेंट में कोई इक्के दुके पोस्ट निकलती भी है तो उसके लिए जो बाकी लोग हैं उनको भी एलिजिबल रखा जाता है, जबकि जो फिशरीज प्रोफेशनल्स है सिर्फ वही उसके हकदार है।